नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो दुबई जितने लोग भी गए विजिट वीजा पर जॉब फाइंड आउट करने के लिए उनके लिए। अगर आप दुबई गए हैं या फिर दुबई जाना चाहते हैं विजिट वीजा पर और आपको वहां जाकर नौकरी फाइंड आउट करनी है तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे वहां स्कैम होने से आप बचेंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा स्कैम होना शुरू हो गया है। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो सर्विस चार्ज के नाम पर जो है आपसे पैसे डिमांड करेंगे, तो कैसे आपको बचना है सब कुछ इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप विजिट वीजा पर गए हैं दुबई तो आप कैसे बचेंगे। देखो, मोस्टली लोग विजिट वीजा पर क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें एजेंट को जो है 2 लाख 4 लाख 5 लाख पैसे नहीं देना होता है। अगर वो विजिट वीजा पर जाएंगे तो अपने मन मुताबिक वहाँ पर कंपनियों में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देने के बाद उनका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर वो उसके बाद कंपनी जो है खुद वर्क वीज़ा का प्रोसेस कर देगी, वहाँ पर वर्क वीज़ा करा देगी। लेकिन उससे पहले आपका 30 दिन का 60 दिन या का अगर आपने विजिट वर्क वीज़ा लिया है विजिट वीज़ा अगर आपने लिया है तो उसके अंदर अंदर आपको जॉब फाइंड आउट करना होगा। और अगर आप विजिट वीज़ा पर गए हो तो कम से कम आपके पास 70,000 से 80,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप विजिट वीज़ा के थ्रू दुबई जा सकते हैं। और अगर आप वहाँ चले गए तो रहने के लिए होटल भी होना चाहिए, होटल का खर्चा आपका अलग से ही आएगा। और आपको जॉब फाइंड आउट करने के लिए डेली इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है तो उसमें जाकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पर चल रहा है काम। और सबसे मोस्ट जो बढ़िया तरीका होता है ना, आप पता करो कि आपके गांव के आपके आसपास के लोग कहां पर रहते हैं, उनसे जाकर मिलो। अगर वो आपकी किसी कंपनी में लगा दे रहे हैं तो ये वेल एंड गुड है, वहां पर आपको जो है ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, बहुत सारी जगह जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको वो बोलेंगे भाई आपने बहुत बढ़िया करा है, आपका जो सिलेक्शन हो गया, आपको जो बस आना है आपको, अब हम आपको जो है ऑफर लेटर 2-3 दिन में जनरेट कर देंगे और जॉब आपका जल्दी लग जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको जो है हमारा जो कुछ सर्विस चार्ज है वो आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप ये सर्विस चार्ज को पे नहीं करते हैं तो फिर आपका जॉब नहीं लगेगा। तो ऐसी जगह जहाँ भी आप जॉब के लिए गए हैं वहाँ से अगर आपको कैसे भी करके आपसे पैसे की डील की बात हो रही है, चाहे 100 दरहम की बात हो, चाहे 200 दरहम की, चाहे 50 दरहम की, चाहे 2,000, चाहे 5,000, कितना हो दरहम की बात हो रही है जॉब देने के लिए, तो आप समझ जाओ कि वहां आपका कटने वाला है, वहां आपके साथ स्कैम होने वाला है। तो आप इन सारी चीजों से बचें। जहां भी आप इंटरव्यू देने गए वहां अगर पैसों की बात हो रही है तो उनके चक्कर मत जाएं जहां से भी, क्योंकि एक बार जब 200 दरहम दे देंगे आप फंस जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हाँ ये चार्ज लगेगा बोल के आपसे बहुत ज्यादा वहां पर लेंगे और उसके बाद आपको जॉब भी नहीं दिलाएंगे और आप वहां पर लीगल तरीके से कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। तो अगर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते तो आपको पैसे देने की आवश्यकता क्या है? अगर आपसे इतनी ज़्यादा पैसे की डिमांड वहाँ पर करी जा रही है तो आप सीधे सीधे समझ जाओ ना कि भाई वो लीगल तरीका नहीं है, वो लोग जो है आपके पैसे खा के बैठ जाएंगे। और अगर कई भी इंटरव्यू देने आप जाते हो वहाँ से बोलते हैं कि आपको कॉल करके बताएंगे, या फिर हो सकता है कि वो आपको मेल करते हैं, और आपका हो सकता है टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, और टेलीफोनिक इंटरव्यू होने के बाद फ़ोन पर आपका इंटरव्यू होने के बाद वो आपको अगर पर्टिकुलर अपने ऑफिस का एड्रेस देते हैं कि आप इस हमारे ऑफिस पर आ जाओ, यहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू होगा, तो वहाँ जाओ इंटरव्यू होगा सब कुछ, उसके बाद वहाँ सिलेक्शन होगा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो जहाँ पर भी समझ लो कि आपका इंटरव्यू होता है जहाँ पैसे की बात नहीं करी जाती है, वहाँ समझ लेना कि वो जेन्यून है, वो आपको जॉब दिला सकते हैं। अगर आप जो है आपका इंटरव्यू लेते हैं, अगर आप कैपेबल उन्हें लगते हैं तो वो वहाँ पर सिलेक्शन आपका कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर पैसे की डिमांड करी जाए वहाँ पर आपको साफ समझ लेना है, साफ सीधा भैया यहाँ पर आपकी कटने वाली है और इनसे सावधान होने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको कोई कॉल करके भी बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि देखो अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो स्कैमर सारे होते हैं ना वो आपका नंबर सारा सर्कुलेट कर लेते हैं लोग अपने ग्रुप में, और जो कि बहुत सारे लोग होते हैं, दुबई में जाओ, इंडिया में देखो, किसी भी कंट्री में जाओ, हर जगह पर ये चीज़ चलता है। तो वहाँ पर जब नंबर सर्कुलेट होता है तो वो आपको खुद फोन करेंगे, कॉल करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया इस कंपनी में, आप यहाँ पर आ जाओ इंटरव्यू देने, जाओ इंटरव्यू देने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पैसे की बात है तो आप बोल दो कि सर हम आपको बताएंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, उन्हें मना कर दो और वैसी जगहों को फिर छोड़ ही दो, वहाँ पर जाओ ही मत इंटरव्यू देने। तो जहाँ पैसे की बात हो रही है वहाँ मत जाओ। और देखो, आप जाओ जब भी दुबई में तो आप इतना रखो कि अपने आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि दुबई जब आप जाते हैं ना तो वहाँ पर पैसे नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जब आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवल करना ही पड़ेगा आपको जॉब के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेना या जो भी आप वहाँ पर ले रहे हो गाड़ी वगैरह से रेंट देना, भाड़ा देना, भाई बहुत खर्च यहाँ पर आपका बैठने वाला है। तो अगर आप विजिट वीज़ा पर जाते हो और वहाँ जाकर आपको जॉब सर्च करना है, चाहे आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, भारत से, कहीं से भी हो, तो आपको इतना ध्यान देना है। और अगर आप इतना केयर करते हैं तो आपको वहाँ जॉब भी लगेगा,
और जॉब लगने के बाद आपका जो है आपके साथ स्कैम भी नहीं होगा और अच्छे से आप वहाँ जॉब कर पाएंगे विजिट वीजा के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो लोग दुबई में अभी विजिट वीजा पर गए और जो लोग इंडिया से दुबई जाने वाले विजिट वीजा के ऊपर, ठीक है, ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो स्कैम होने से बच सके। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में।